हेलो अरियान, कैसे हैं आप सभी। आज अपना तीसरा दिन है वर्कआउट सेशन, जो 30 डेज चैलेंज अपन ने लिया है, और आज अपन 5 एक्सरसाइज करेंगे। वापस से आपको बता देता हूं, आपका वार्म अप कंप्लीट कर लीजिए जो मैंने पहली वीडियो में दे रखा है। सेकंड, आज अपने वापस से 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल में 3 एक्सरसाइज करेंगे, सेकंड लेवल में 4 एक्सरसाइज करेंगे, और थर्ड लेवल में 5 एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आज चेंजेस करेंगे अपन, बिगनर और एडवांस। मतलब मैं आपको दो तरीके से एक एक्सरसाइज बताऊँगा, बिगनर एडवांस छोड़ दीजिए, या कोई विदाउट जंप वाला भी कर सकता है और जंप वाला भी कर सकता है। मतलब जिसको नीज में प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, और जिसको नॉर्मल है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी जंपिंग जैक से, फ्रंट जंपिंग जैक दोनों हाथों को सामने रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 सेकंड रेस्ट। उसके बाद सेकंड सेट करेंगे। ध्यान रखना है वापस से आपको अपना वाटर बॉटल या नैपकिन साथ में कैरी करके रखना है। दूसरा, आपके पास अपना एनर्जी ड्रिंक भी होना चाहिए, आप प्रॉपर ड्रेसअप में होने चाहिए। दूसरा, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं आपको फुल आपकी प्री वर्कआउट मील लेके वर्कआउट करना है, यानी कि आप आधे से 45 मिनट 30 मिनट्स हो या 45 मिनट्स, आपको कुछ ना कुछ एक फ्रूट खाना है अगर मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप शाम को काम पे कर रहे हैं तो आपका लंच 1.5 घंटे से गैप होना चाहिए, 1.5 घंटे से 2 घंटे तक आपका गैप होना चाहिए लंच के बीच में। और कुछ ना कुछ ऐसी मील्स लेनी है जिससे आपकी वर्कआउट में एनर्जी बनी रहे। ठीक है, चलिए सेकंड सेट करेंगे। पोजिशन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स एंड वापस से 20 सेकंड रेस्ट। क्या करना है आपको, थोड़ा सा वॉक करते रहना है जिससे ब्रीथिंग लेवल नॉर्मल हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 20 थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप कम कर सकते हैं। देन आपका ब्रीथिंग लेवल नॉर्मल करना है। दूसरा, और ज़्यादा सांस चल रही है, दोनों पैरों में गैप बनाइए, दोनों हाथों को हिलाते हुए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक है, चलिए लास्ट सेट करेंगे। पोजीशन लीजिए, स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ध्यान रखिए वर्कआउट अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपका 1 मिनट का रेस्ट है, सिंपल है, ब्रीथिंग को नॉर्मल होने दीजिए जिससे आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाए और आप अच्छे से सेकंड एक्सरसाइज कर सकें। वॉक भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया है। पानी पीजिए, देन चेक कीजिए कि आप पूरे दिन वर्कआउट में तो कर लिया आपने 45 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपने वर्कआउट कर लिया। देन उसके बाद आप पूरे दिन क्या मील्स मिस तो नहीं कर रहे, क्या आप अपनी डेली रूटीन को अनबैलेंस तो नहीं कर रहे, मतलब कोई जंक फूड तो नहीं खा रहे, या काफ ज़्यादा लोड करके या अनहेल्दी फूड्स खा के अपनी हेल्थ को ज़्यादा ख़राब तो नहीं कर रहे। चेक कीजिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं 20% वर्कआउट 80% डाइट, मैं कहता हूँ आप 30-50% वर्कआउट रखिए, 50% डाइट तो लाइए एक बार, उसके बाद अपन 80% डाइट को लाएंगे। एक बार 50% डाइट को लाइए जिससे रिजल्ट आना चालू तो होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट किक्स। कैसे करना है मैं दोनों कंडीशन बता देता हूँ, बिगनर एंड एडवांस। बिगनर को कैसे करना है, दोनों हाथ पीछे रखना है, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन एडवांस, दोनों हाथ क्रॉस में पीछे रखने के बाद जंप से हिप्स पे टच करना है ना, आपकी हील्स को हिप पे टच करना। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेट। पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स 20 सेकंड, सेकंड सेट करेंगे, रेस्ट लीजिए। वर्कआउट करते वक्त पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्कआउट आपके अंदर वाटर इंटेक होता रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होगी। ठीक है, चलिए सेकंड सेट
पोजिशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस से 20 सेकंड रेस्ट, सेकंड से कंप्लीट। ध्यान रखना है वर्कआउट करते वक्त आपको ब्रीथिंग लेवल हाई होगी, आपका ऐसा लगेगा कि यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, पर 30 रेस आपको बने रहना है जिससे रिजल्ट आएगा। आपका कार्डियो सिस्टम अच्छा होगा, आपका आपकी हार्ट हेल्थ सबसे अच्छी होगी, है ना। समझ पा रहे हैं आप सभी को? आज बहुत सारे लोगों को जिम तो जा रहे हैं फिर भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी करनी है। तो हार्ट हेल्थ किससे अच्छी होगी? कार्डियो सेशन से, ठीक है। तो कार्डियो सेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए लास्ट सेट, पोजिशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। सेकंड सेट कंप्लीट। वापस से 1 मिनट रेस्ट, ब्रीथिंग को नॉर्मल कर लीजिए। जो अपने साथ फर्स्ट लेवल के साथ चल रहे हैं उनकी लास्ट एक्सरसाइज है, पर उनको भी अपना लेवल चेंज करना है, नहीं कि ऐसे ही अपने फर्स्ट लेवल पे बने रहे। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान लास्ट अपना पाँचवा जो तीसरा जो लेवल है 5 एक्सरसाइज वाला वो पूरा कंप्लीट करे और बेटर रिजल्ट बनाए, ठीक है। पर आ जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अभी स्टार्ट किया है, थकान ज़्यादा हो रही है, बॉडी पेन कर रही है, ये सब स्टार्टिंग होता है, सबको होता है। आज मैं आपको बोलते हुए एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो मेरी भी थोड़ी ब्रीथिंग हाई हो रही है, तो नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे सब चीज़ें। आपके लिए भी अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड रहेगा, जब आप कंटिन्यू थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना 3 महीना करोगे फिर आपके लिए। चलिए अपना लास्ट वर्कआउट, लास्ट एक्सरसाइज बाकी है फर्स्ट लेवल की, करना कैसे देख लीजिएगा, ठीक है। हाई नीज करनी है आपको, दोनों हाथ इस तरीके से सामने रख सकते हैं। देन मैं बिगनर और एडवांस दोनों की बात कर रहा हूँ, जिसको नीज में प्रॉब्लम वो भी कर सकता है। 1, 2, 3 सामने से भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एडवांस बताऊंगा। दोनों हाथ सामने रखने हैं, देन 20 सेकंड तक रेगुलर अपन को जंप करना है, हाई नीज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कीजिए 20 सेकंड्स तक, देन सेकंड सेट करेंगे फुल एनर्जी के साथ, पानी पीते रहना है। आपको ब्रीथिंग लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो आगे झुकिए, हाथ को हिलाते हुए लंबी सांस अंदर लंबी सांस बाहर। चलिए सेकंड सेट फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, पोजीशन चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वॉक कर सकते हैं, चलिए लास्ट सेट पोजीशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा ब्रीथिंग हाई हो गया ना, थोड़ा वर्क कीजिए, नॉर्मल कीजिए और आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा आपका स्टेमिना बहुत अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेंथ के लिए अपन अलग वर्कआउट करेंगे, उससे अपनी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। ये अपना पूरा एक तो हार्ट हेल्थ के लिए, दूसरा अपना स्टेमिना के लिए, ठीक है। चलिए जिसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है आपकी स्ट्रेचिंग वाली वीडियो कंप्लीट कीजिए, वर्कआउट फिनिश कीजिए। कल मिलेंगे वापस फर्स्ट लेवल वाले और फुल एनर्जी के साथ मिलना, छुट्टी मत मानना, ध्यान रखना सभी को, ठीक है।
चलिए सेकंड सेट, सेकंड लेवल, फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? जंपिंग स्कोर्स। ठीक है, दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप बनाना है। पहले स्कोर्स की पोजिशन सीख लेते हैं। शोल्डर जितना गैप बनाना है, दोनों नीस को ध्यान रखना है, लेग हिप्स को पीछे निकालते हुए नीचे आना है और नीस आपके टो से आगे नहीं आने। ठीक है, ये तो हो गया स्कोर्स की पोजिशन। देन स्टार्ट करते हैं, 15-15 के 3 सेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लेग्स, 20 सेकंड रेस्ट। ठीक है, जो बिगनर है जिनको विदाउट जंप करना है वो भी कर सकते हैं, जिसको जंप अवॉइड करना है नीज की वजह से, कमर की वजह से, वो कर सकते हैं, पर एडवांस में आपको जंप करना है। ठीक है, पानी पीजिए, ब्रीथिंग को नॉर्मल होने दीजिए। चलिए सेकंड सेट पोजीशन, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 20 सेकंड रेस्ट। देन लास्ट सेट करेंगे, ब्रीथिंग को नॉर्मल दीजिए। लेग्स आपकी सबसे बड़ा मसल है बॉडी के अंदर, दूसरा इसको ट्रेन करने में प्रॉब्लम आती है, पर इस प्रॉब्लम के आगे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो जाएगी आपका। जब आप लेग्स करते हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम, आपकी ओवरऑल बॉडी पे बहुत इफेक्ट आता है। ठीक है, पानी पीजिए। चलिए लास्ट सेट पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1 minute rest। फिर फोर्थ लेवल कंप्लीट हो चुका है, लास्ट फिर थर्ड लेवल बाकी है। पानी पीजिए, वॉर्म कंप्लीट, स्ट्रेचिंग कंप्लीट कीजिए सेकंड लेवल वाले, और कल मिलेंगे आप लोग। लास्ट अपना थर्ड लेवल की लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, रुकिएगा। पानी पीजिए, रेस्ट मोड कंप्लीट होने के बाद लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और बहुत अच्छे से अभी सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, लास्ट जो एक्सरसाइज है अपनी, करनी कैसे मैं दोनों का बता देता हूँ, बिगनर और एडवांस का। हाथ इस तरीके से फ्लोर पे रखने हैं, देन 1 एंड 2, 3 एंड 4। ठीक है, आपको इस तरीके से करनी है, बाकी सभी को एडवांस वाला कैसे करना है, जंप से पैर पीछे, जंप से आगे, ये 1। ठीक है, पोजीशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड सेट कंप्लीट, 20 सेकंड रेस्ट। पानी पीजिए, वॉक कर सकते हैं। चलिए लास्ट सेट पोजीशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, कंप्लीट करेंगे इस वर्कआउट सेशन को।
चलिए अपना वर्कआउट सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अपना स्ट्रेचिंग वाला वॉर्म का वीडियो कंप्लीट करना है और कल अपना फोर्थ डे अच्छे से वर्कआउट करेंगे। सभी को आना है, ज्वाइन करना है और अपना वर्कआउट को एंजॉय करना है और अच्छा रिजल्ट बनाना है। चलिए थैंक यू सो मच।